आज का पहला सवाल, नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी उसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले इसी प्रकार के कितने और नल खोल दिए जाए ताकि टंकी कभी भी पूर्णतः ना भरे। मतलब समझ में समझे क्या? क्वेश्चन कह रहा है भरने वाला नल जिसका क्षमता है 5 घंटा, खाली करने वाला नल जिसका क्षमता है 36 घंटा, ऐसे कितने नल को और खोल दिया जाए कि टंकी पूर्णतः कभी ना भरे। कहने का मतलब जितना पानी आप भर रहे हैं उससे ज्यादा पानी बाहर निकलेगा तो टंकी भरेगा क्या? वही क्वेश्चन कह रहा है कि कितना कम से कम और नल खोल दिया जाए ताकि टंकी पूर्णता ना भरे। देखिए भरने वाले नल का क्षमता कितना है? 5 घंटा। क्षमता क्या दिया हुआ? पहले नल का 5 घंटा, दूसरे नल का क्या? 36 घंटा। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि इस ये 36 काम करेगा या ये 36 लीटर भरेगा तो ये 5 लीटर खाली करेगा, ये हम लोग कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। समय और उसका काम जो है वो एकदम व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो जितना दक्ष होगा उसको उतना कम वक्त लगेगा, जो जितना कम दक्ष होगा उसको इतना ज्यादा वक्त लगेगा। ये बात तो कई एक बार हम लोग देख चुके हैं, इस बात का यूज भी ले चुके हैं। अब कहिए भरने वाला नल 36 लीटर भर रहा है, खाली करने वाला नल 36 लीटर या उससे ज्यादा खाली करे तब तो टंकी नहीं भरेगा। तो कहने का मतलब ये 5 लीटर खाली करता है, इसको 7 से गुना कर देंगे, 7 नल अगर चला देंगे तो कितना खाली करेगा? 35 लीटर। अभी भी टंकी भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि भरने वाले का क्षमता कितना है? 36 लीटर। खाली करने वाले को आप कितना पहुंचा दिए? 35 लीटर। तो कितना भी समय क्यों ना लग जाए टंकी अभी भी भरी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा काम कर रहा है। मतलब आपको 8 से गुना करना होगा। अब देखिए इसका क्षमता अधिक हो गया, जितना ये भरेगा ना उससे कहीं ज्यादा खाली करेगा, टंकी भरेगा क्या? आपका आंसर क्या होगा? कितने और नल खोले जाएं? तो आंसर होगा 7 नल और खोले जाएं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? खाली करने वाले इसी प्रकार के कितने और का मतलब क्या? उसके अलावा कितना और? तो 8 नल चाहिए, 1 नल खुला हुआ है, कितना और नल खोल दें? तो आंसर होगा 7, क्योंकि 7 नल और खोल देंगे तो 8 नल हो जाएगा और ये ज्यादा खाली करने लगेगा इसके भरने से, तो ऑब्वियस से टंकी कभी नहीं भरेगा। यही सवाल है, सवाल में और कुछ नहीं था। इस सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका क्षमता 5 घंटा, इसका क्षमता 36 घंटा, काम ले लीजिए 180 लीटर। ये 5 घंटा में 180 लीटर भर देता है तो 1 घंटा में खाली कितना करता है? 36 लीटर। और 1 घंटा में भरता कितना है? सॉरी, 1 घंटा में भरता है 36 लीटर और 1 घंटा में खाली करता है 5 लीटर। अब इसके साथ कितने और नल खोल दिए जाएं कि टंकी ना भरे? टंकी ना भरे इसके लिए बिल्कुल जरूरी है कि जितना भरने वाला काम कर रहा है उससे ज्यादा काम खाली करने वाला करे, तब तो टंकी नहीं भरेगा। अगर भरने वाला नल ज्यादा काम करेगा तो टंकी तो भर ही देगा, आज नहीं तो कल। तो देखिए 5 को किससे गुना कर दें तो इससे ज्यादा हो जाए? 7 से गुना करेंगे तो 35 इससे कम होगा, 8 से गुना कर देंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसका क्षमता ज्यादा हो गया ना। इतना नल जब खुल जाएगा तो टंकी नहीं भरेगा, तो 8 से गुना कर रहे हैं, मतलब 1 नल पहले है, 7 नल और चाहिए, तो और कितना नल चाहिए? 7 नल। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, एक टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ नल भरने वाले तथा शेष खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाले नल 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं जबकि प्रत्येक निकासी नल 8 घंटे में टंकी खाली कर सकते हैं। एक खाली टंकी में सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं और 6 घंटे में टंकी पूर्णतः भर जाती है,
खाली करने वाले नलों की संख्या क्या है? आइए, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, 8 नल है, उसमें कुछ का काम भरना है, कुछ का काम खाली है, खाली करना है। अब क्वेश्चन कहता है सबको चला दिया गया खाली टंकी में, 8 घंटा में टंकी भर गया है, तो भरने वाले नलों की संख्या क्या है? आइए मान लेते हैं भरने वाले नलों की संख्या x है, वैसे नल जो भरने का काम कर रहा है उसकी संख्या x है, तो खाली करने वाले नलों की संख्या 8 माइनस एक्स। इसमें शायद आपको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर 8 नल है, 8 में से अगर 2 नल भरेगा तो 6 को तो खाली करना होगा ना, तो x नल भरेगा तो 8 माइनस एक्स नल खाली करेगा। एक नल एक घंटा में क्या काम करता है? तो आप कहिएगा एक नल एक घंटा में 1/6 काम करता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक भरने वाले नल 6 घंटा में टंकी भर सकता है, 6 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में क्या करेगा? 1/6। एक नल एक घंटा में 1/6, तो एक्स नल कितना काम करेगा? इतना काम करेगा, तो भरने वाला सभी नल 1 घंटा में इतना काम करेगा। ये 1 घंटा का काम हुआ, 1 घंटा का काम 1/6 होगा ना, उसमें नलों की संख्या से गुना कर देंगे तो घंटा तो अभी एक ही हुआ ना, तो 1 घंटा में इतना काम, और ये 1 घंटा में इतना काम कौन? खाली करने वाला नल। खाली करने वाला नल 8 घंटा में 1 टंकी खाली करता है, 1 घंटा में क्या करेगा? 1/8 भाग एक नल। 2 नल होता तो काम कितना होता? गुना 2। 3 नल होता तो काम कितना होता? गुना 3। और इतना नल है तो काम कितना होगा? इतना। दोनों प्रकार के नलों का 1 घंटा का काम हुआ ना, 1 घंटा में कितना काम हुआ होगा? 1 घंटा में इतना काम हुआ होगा। 1 घंटा में काम पूरा हुआ क्या? 1 घंटा में टंकी भरा क्या? नहीं, टंकी भरने में 6 घंटा लगा है, मतलब 6 घंटा में 1 काम, टंकी भरा गया बराबर 1 काम। ये आपका समीकरण है, और इसी समीकरण को आप हल कीजिएगा, एक्स का मान आएगा, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग हल कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देखने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? x/6 - 8 - x/8 = 1/6। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 24। अब 6 से इसमें भाग लगाएंगे 4 बार में, यानी 4x, फिर क्या यहां माइनस होगा, और 8 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में 3, और 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 24, और प्लस हो जाएगा 3x बराबर क्या? 1/6। अब 1/6 को यहां काट लेंगे तो 4 बार में कटेगा ना, इस 4 को यहां भेज दीजिए, अब क्या होगा? 4x - 24 + 3x बराबर क्या? 4। 24 को वहां भेजिए, 7x बराबर क्या? 28, और 7 से काट दीजिए, x बराबर क्या? x क्या माने थे आप? आप x माने थे वैसे नलों की संख्या जो भरने वाले हैं, और भरने वाले नलों की संख्या क्या? 4। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता खाली करने वाले नल कितने हैं, तो भी 4, क्योंकि कुल नल कितना है? 8, उसमें से भरने वाला कितना निकला? 4, तो खाली करने वाला 8 - 4 यानी 4, ऐसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आइए हम लोग जरा सा प्रयास करते हैं कुछ और सोचने का। देखिए जरा सा देखिए, भरने वाले नल का क्षमता 8, खाली करने वाले भरने वाले नल का क्षमता 6, खाली करने वाले नल का क्षमता 8। इन दोनों के क्षमताओं को हम लोग देखते हुए काम ले लेते हैं 24 लीटर। हमारा काम क्या? 24 लीटर। एक नल 6 घंटा में भर देता है, मतलब 6 घंटा में कितना भर देता है? 24 लीटर। तो 1 घंटा में क्या भरता होगा? 4 लीटर। ये 1 घंटा में क्या खाली करता होगा? 3 लीटर। क्वेश्चन यही है ना। अब हम लोग कुछ और मानते हैं अपने तरफ से, क्वेश्चन से हटके। अब यहां के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं सारे के सारे नल भरने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं कह रहा है, हम समझ रहे हैं,
फिलहाल मानते हैं, बाद में इसी बात को बैलेंस करेंगे, देखते क्या है। सभी नल अगर भरने वाले हैं तो एक नल एक घंटा में क्या करता है, 4 लीटर, और 8 नल है तो एक घंटा में 8 × 4 इतना लीटर पानी भरेगा। और क्वेश्चन कहता है 6 घंटा में टंकी भर गया, तो ये 6 घंटा तक चलेगा ना, तो 6 घंटा में कितना काम करेगा, इतना, यानी ये आएगा 192 लीटर। इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिए, एक नल एक घंटे में 4 लीटर भरता है, यहां से पता चल रहा है एक नल एक घंटे में कितना भरता है, 4 लीटर। अगर 8 नल भरने वाला है तो कितना भरेगा, 32 लीटर, और एक घंटा में 32 लीटर, 6 घंटा काम करेगा तो कितना काम करेगा, 32 × 6 यानी इतना लीटर। और टंकी का क्षमता कितना है, 24 लीटर, 24 लीटर के टंकी में हम लोग कितना पानी भर दिए, 192 लीटर। कुछ गलत हो गया ना, और ये गलत किसके वजह से हुआ, हम लोग गलत सपोज कर रहे हैं उसके वजह से, आइए उसी को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। 24 लीटर का जरूरत था, कितना भर दिए, 192 लीटर, यानी 168 लीटर अधिक काम कर दिए ना, घबराइए नहीं, आंसर के आसपास आ गए हम लोग। अब देखिए यहां गलत क्या हुआ है, एक नल जो 3 लीटर खाली कर रहा था, और आपने क्या मान लिया कि ये भरने वाला है, मतलब 4 लीटर भरने लगा, तो फर्क क्या पड़ा 7 लीटर का, जो नल 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा था आप कह रहे हैं वो 4 लीटर भर दिया, तो 7 लीटर का फर्क हो रहा है ना, तो एक नल के कारण 7 लीटर का फर्क हो रहा है एक घंटा में, तो 6 घंटा में कितना, क्योंकि काम तो 6 घंटा हुआ है, तो 6 घंटा में 42 लीटर, तो 42 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, 4, मतलब नलों की संख्या क्या थी, 4 ही आपका आंसर है। देखिए 42 लीटर तो एक ही नल परिवर्तन ला रहा है, तो यहां 168 लीटर कौन लाया होगा, तो 4 नल होगा। समझिए एक बार फिर से, एक नल जो 3 लीटर बाहर निकाल रहा था आपने उससे 4 लीटर भरवा दिया, तो फर्क कितने का पड़ा, 7 लीटर का, एक घंटा में 7 लीटर का फर्क पड़ रहा है, 6 घंटा में 42 लीटर का, यानी एक नल हो तो 42 लीटर, और कितना नल हो तो 168 लीटर, तो 42 से भागने लगा देंगे, कितना नल होगा, 4, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल, मतलब खाली करने वाला अगर 4 नल है तो भरने वाला कितना होगा, वो भी 4 होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं, अगला सवाल आपका सवाल, किसी टंकी में 4 नल ABC तथा D लगे हैं, इनमें से 2 पाइप भरने वाले हैं तथा 2 पाइप खाली करने वाले हैं, कुछ अलग कंडीशन है, इनके द्वारा लिए गए समय क्रमशः 10, 15, 20 तथा 30 घंटे हैं, मतलब ये सभी अपना अपना काम भरने वाले, अगर ये भरने वाला है तो 10 घंटा में भर देगा, खाली करने वाला है 10 घंटा में खाली कर देगा, मतलब सबका क्षमता दे दिया है, अभी हम लोग श्योर नहीं है कौन भरने वाला है। सभी 4 पाइप को खाली टंकी में खोल दिया जाता है और टंकी 12 घंटे में पूर्णतः भर जाती है, तो वे कौन से 2 पाइप हैं जो टंकी खाली करने वाले हैं, मतलब निकासी नल कौन सा है यही पता नहीं है, आइए पता करते हैं। ABC और D सबका क्षमता दिया हुआ है, ये 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा और 30 घंटा, इतने इतने घंटा में सभी अपना काम कर सकते हैं। अब बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, सबको हम मान लेते हैं भरने वाला है, जबकि ये नहीं है, 2 नल खाली करने वाला है क्वेश्चन कह रहा है, और 2 नल भरने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग करते समय ये मान लेते हैं कि सभी नल भरने वाला है, और टंकी का क्षमता कितना होगा, 60 लीटर, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये एक घंटा में क्या करेगा, 6 लीटर भरेगा, और ये एक घंटा में 4 लीटर भरेगा, ये एक घंटा में 3 लीटर भरेगा, और ये एक घंटा में 2 लीटर भरेगा, भरेगा भरेगा, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने मान लिया क्या, कि सभी नल सभी पाइप भरने वाला है, बाद में इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए तो इन सभी को जोड़िएगा तो एक घंटा में कितना काम हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, एक घंटा में 15 लीटर,
और क्वेश्चन कहता है कि 12 घंटे में, कितना घंटे में, 12 घंटे में टंकी भर जाता है, तो 12 घंटे में कितना पानी आएगा, 180 लीटर। कुछ गलत हुआ ना, गलत तो होना ही था क्योंकि हम लोग सपोज ही गलत कर लिए थे। निकासी नल को हम भरने वाला नल कह रहे हैं तो कैलकुलेशन तो गलत होना ही है। गलत क्या हुआ है देखिए, तो आपको जरूरत कितने का था, 60 लीटर का, आपको दिख कितना रहा है, 180 लीटर, मतलब ज्यादा कितना दिख रहा है, 120 लीटर। आपको 60 लीटर का आवश्यकता था ना, टंकी में 120 लीटर आ गया, 180 लीटर आ गया, मतलब 120 लीटर एक्स्ट्रा आ गया। किसके वजह से, हम लोग के वजह से, क्योंकि हम लोग गलत सपोज कर रहे हैं, टंकी नल खाली करने वाला है और हम लोग कह रहे हैं कि भरने वाला है। इसका मतलब है कि ये नल जो 60 लीटर खाली कर रहा था, हमने उसको 60 लीटर प्लस कर दिया, तब तो 120 हो गया होगा। अरे 5 लीटर निकलने वाला है और उसको हम 5 लीटर डाल दिए तो 10 लीटर का फर्क होगा ना, तो 120 लीटर अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि दो नल 60 लीटर पानी बाहर निकाल रहा था और उस 60 को हम प्लस लिख रहे हैं, माइनस के बजाय 60 प्लस लिखेंगे तो 120 का फर्क पड़ेगा ना। तो 60 लीटर वो खाली कर सकता है, कौन, वो दोनों निकासी नल 60 लीटर खाली कर सकता है, कितने समय में, 12 घंटे में। एक घंटे में क्या खाली करेगा, 5 लीटर, दोनों मिलकर एक घंटे में 5 लीटर, और 5 लीटर कौन सा नल काम कर रहा है एक घंटे में, COD, ये आपका आंसर है। निकासी नल कौन सा होगा, COD। अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं तो आपको ऑप्शन से आना होगा, आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। आइए ऑप्शन से आते हैं, हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है, यही दोनों निकासी नल है, लेकिन इसको तो हम, इस ऑप्शन को तो पहले हम छांट देंगे ये कह के कि इन दोनों का क्षमता सबसे अधिक है, एक का क्षमता क्या 10 और इसका क्षमता 15, ये कभी निकासी नल नहीं हो सकता क्योंकि इसका क्षमता अधिक है। अगर ये निकासी नल होगा तो टंकी भरने के बजाय खाली हो जाएगा, ये कभी हो सकता है क्या, क्योंकि दोनों मैक्सिमम सबसे अधिक क्षमता वाला नल तो यही दोनों है, और ये दोनों निकासी नल हो जाएगा तो टंकी भरेगा क्या, कभी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आइए ये आंसर नहीं होगा, आइए दूसरे ऑप्शन को चेक करते, दूसरे ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे पहला नल का काम ये निकासी नल है, ये निकासी नल है, सी का सी का क्षमता क्या है, ए का क्षमता 10 है ना, सी का क्षमता क्या है 20 है। अगर ये निकासी नल है तो भरने वाला नल कौन सा होगा, तो भरने वाला नल होगा ए और सी के बाद बी और डी, बी का क्षमता कितना है 15, ये भरने वाला होगा इसलिए प्लस होगा, डी का क्षमता कितना है 30, इन सभी को 12 से गुना कर दीजिए, अगर एक के बराबर हो जाए तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी मिलकर 12 घंटे में क्या करता है, एक काम। अगर इन सभी को 12 से गुना करें और ये एक के बराबर हो जाए तो ये आंसर हो जाएगा, और ये नहीं होगा तो अगले ऑप्शन में चलेंगे। आइए अब हम लोग उसी ऑप्शन को चेक कर दें जो आंसर हम लोग लाए हैं, सबको चेक करने में बहुत वक्त बर्बाद होगा, आपको यही करना पड़ेगा अगर ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं तो। हमारा आंसर क्या आया था, सी और डी, सी और डी को ही चेक कर दें, सी और डी अगर निकासी नल है तो भरने वाला नल कौन होगा, ए और बी, सी डी का क्षमता 20 और क्या 30, और 12 घंटे में एक काम हो जाना चाहिए, देखिए तो 12 घंटा में एक काम होता है क्या, एलसीएम लेंगे कितना होगा 60, ये कितना बार में 6 बार में, और ये कितना बार में 4 बार में, और ये कितना बार में 3 बार में, और ये कितना बार में 2 बार में, गुना 12। अब देखिए 12 पचे 60 काट लेते हैं, 6 4 10 और 10 में जाएगा 5 तो बचेगा क्या 5, 5/5 यानी क्या एक काम, ये एक काम को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहां से भी आंसर यही होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।